पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बात दरअसल यह है काका कि इस दौरान इतने माह में अहिल्या और कृष्णा के बीच बेहद लगाव हो गया है। वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं और अगर अहिल्या को इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत बेचैन हो जाएगी और इस अवस्था में उसका बेचैन होना सही नहीं है। एक बार ये मामला अच्छी तरह से सुलझ जाए तो उसके बाद अहिल्या को सब कुछ हम खुद बता देंगे। छोटी रानी जी, कृष्णा तो एक मामूली सेविका है, फिर उसके लिए आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो होती है, तो अगर कृष्णा के जीवन में भी कोई परेशानी है तो वो खुद ही उसे सुलझा लेगी। पार्वती बाई साहब, मेरे दादी और बाबा साहब, उन दोनों ने मुझे ये सिखाया है। वो कहते हैं, हमारे लिए अगर कोई निस्वार्थ मन से कुछ करता है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और मौका मिलते ही सूद समेत उसे वापस लौटा देना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में स्नेह बढ़ता है और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कृष्णा के मामले में अब वो समय आ गया है। माफ कीजिएगा सरकार, पर इतनी रात गए आपने मुझे बुलाया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माफी किस बात की शांताराम, तुम तो इनाम के हकदार, हम तो तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। क्या हुआ शांताराम, तुम चौंक क्यों रहे हो? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।